अब देखो इसमें आया है कीड़ा, बीटल आया ठीक। ये देखो डैमेज कहाँ पे डॉक्टर साहब? ये सब हाँ, ये देखो क्या है, क्वालिटी में फर्क आ रहा है। अब ये साला मार्केट में 2 रुपए 1 रुपए हमारा सस्ता जाएगा, सब में है ये चीज हमें मेंटेन करनी है। इस चीज पे हमें जब ये कमल निकलता है ना शुरू में, कमल जिस दिन आता है पहली स्प्रे उसी दिन से लेना। मोबाइल ना लाए चाचा, इधर देखो ये जो आपने किया है ये ठीक है, लेकिन जब ये तोड़ा जाता है अभी हम लोग इस पे ना लो, ये व्यापारी उठाता है क्या? ये उठाता है? ये नहीं उठाएगा, के यही डाल देगा। ये वाली जो पतली है ना, ये दो इनका कोई काम नहीं है, वो डाल देगा, वो इनपे काम नहीं करता, वो ये जो जितना बराबर आएगा उससे काम करेगा, ये काट के डाल देगा। जब ये फूल आपको तोड़ना है तो यहाँ से 8 इंच यानी 8-9 इंच छोड़ के यहाँ से तोड़ो, ये सड़न चालू ही, ये सड़न यहाँ भी जाएगी। इसको इतना लंबा तोड़ो डंडे को, फली आने के बाद जब यहाँ से इतना रखना है, इसमें एक केला छोड़ो, इसमें एक केला दूसरे में छोड़ो, फिर इसको जो है एक वित्त लंबा छोड़ दो, इसको और इसको खाना खिलाने के लिए पूरा खाना नीचे तक आएगा। तो ये सारे जब ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये सारे बराबर हो जाएंगे, ये सारे बराबर, इसके बराबर ये वाले आएंगे। डॉक्टर साहब ये देखिए जो है इसमें क्या दिक्कत है, ये वाले कहाँ? ये देखो ये बीटल आया भाई, इसमें ज्यादा दिक्कत लग रही है। स्टार्टिंग में कीड़ा आया है जिसने की जब ये छोटा रहा, जब निकला है फूल निकला था उस समय उसने इस पे बैठा है, इसको थोड़ा सा टच किया है, वो निशान लगे। ये स्प्रे लिया जाता है ना शुरू में, क्या क्या लिया था? इमिडा लिया, हाँ लिया, लेकिन बात ये थी शुरू में जब ये बना है सिस्टम। नमस्कार भैया। तो नमस्ते भैया, नमस्ते। तब बरसात, ये डॉक्टर साहब हैं, पूरा लखीमपुर देखते हैं। जिस दिन बढ़िया, सब बढ़िया, जिस दिन आपका कमल आएगा, जिस दिन कमल दिखे आपको, दूसरे दिन ही स्प्रे देना है तुरंत अंदर। हल्का सा झाग वाला जो है नोजल आता है सिंगल होल का, उससे आपको अंदर स्प्रे देना है पूरा, कि वो कमल के अंदर, पत्ते के अंदर घुस जाए, आपको नहीं दिखेगा, उसके अंदर माइट्स घुस जाता है। तो माइट्स होता है वो अंदर जाता है, मच्छर जाते हैं, तो जब मच्छर और माइट्स बैठते हैं वो इसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। जब निगली देगा तब यो बीटल जो लगा तो बरसात ज्यादा हुई रही, स्प्रे नहीं हो पाई, लगा रहा है एकदम रोज पानी तो स्प्रे करे, आयन स्प्रे करे, घोर की दवाई वापस चली गई, वही कह रहे हैं स्प्रे नहीं हो पाई, तब सिस्टम से बिगड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है एक चीज और करो, ये मोटाई देखो इसकी, यहाँ से मोटाई नापो कितने इंच होगी, उस हिसाब से 4 से भाग दे दो, जितने उतने पंजे सेट कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे का पंजा बराबर बैठेगा ऐसे, ये सब जो है हैं और नीचे जो है पतले हैं, लेकिन जितनी हमारी मोटाई है 4 से भाग देंगे, जैसे 36 इंच है, 4 से भाग दोगे कितना होगा, 9 होगा, 9 × 36, 9 पंजे सेट करोगे, जितना ऊपर का बैठेगा उतना ही नीचे, क्लियर आंकड़ा होगा, ये आंकड़ा है नीचे मोटाई, ये आप लोग अभी करके देखना अगली बार फिर बताना हमें। जैसे ये देखो A1 क्वालिटी का माल तैयार हुआ, बड़ा मोटा लंबा तैयार हो रहा, ये छोटा हो गया, इसकी जितनी अवकाश है खाना खिलाने की उतना ही तो खिलाएगा भाई, जिसका जितना इसने खाया है, ये 2 बच्चे पाल पा रहा है, 2 पलवाओ, क्योंकि व्यापारी इनपे कीमत नहीं देता, इनपे कीमत देता है, हम लोगों को इनपे मेहनत नहीं, इनपे मेहनत करनी है। जितने भी हैं, अगर यहाँ पे पंजे कम होते तो ये सारे आधा आधा इंच और बढ़ जाते हैं, आधा इंच कितने, 150 से 160 इसमें फल होते हैं, आधा इंच बढ़े यानी 300 इंच बढ़ गया, 300 इंच का वजन कितना जाएगा, जितना ये पंजे रेट नहीं देंगे उतना ये सारे मिलके, रेट भी पूरी मिल जाएगी, रेट भी अच्छा और वजन भी होगा, 15 में जा रहा है वो 16-17 में चला जाएगा माल, और पूरे खेत का जब एवरेज आएगा वो आपका कुछ और ही आएगा। दूसरी बात, ये जो ऐसे तोड़ रहे हैं ये बंद करिए, ये ऐसे ये तोड़ा आपने, लंबा तोड़ा, बढ़िया है। हाँ, इसको क्या है, यहाँ से जैसे ये वाला हमें पंजा रखना है, इसके बाद एक केला छोड़िए, फिर एक अगले में छोड़िए, एक इसमें एक इसमें, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 9 से 10 इंच लंबा करके यहाँ से काट दो, 9 से 10 इंच लंबा करके, जब कमल तोड़ना है ये वाला तो 9 से 10 इंच लंबा करके ये तोड़ दो, लंबा टूटे थे। हाँ, नहीं नहीं, इससे क्या होगा, जैसे ये सड़ा, ये ऊपर जाएगा, ये सड़न जाएगी केले तक, ये यहाँ से जब लंबाई रहेगी और जब यहाँ एक फल रहेगा, खाना पूरा इस फल को खिलाने तक आएगा, जो भोजन आएगा वो वहाँ से पूरा चलता हुआ यहाँ तक आएगा, तो जब यहाँ तक आएगा तो इनको तो बराबर भोजन मिलेगा, जितना ऊपर मिल रहा है उतना इनको मिलेगा,
इसको इसको खिलाने खाना नीचे तक आना पड़ेगा। आपने किया क्या, यहाँ तक फल रखे, तो अब खाना आना यहाँ पे बंद हो गया, या यहाँ पे हल्का खाना आ पा रहा है, क्योंकि नीचे भेजने नहीं है तो लास्ट वाला यहाँ आ रहा है। जब नीचे भेजना होगा तो नीचे की तरफ डाइवर्ट होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए, बाकी मैनेज करिए। बाकी बंधाई जो है, जब वहाँ जो बंधाई के बारे में पूरा नॉलेज दीजिए इनको, कैसे बांधा जाता है, जहाँ से मुड़ा है। एक आदमी इसमें हाथ लगाओ, सीढ़ी हल्की ले लो उठाई के लिए, हल्के से इसको दबाओ ऐसे, और वहाँ से बांध के उसके टखने बांधो, यहाँ जितना नीचे ले जा पाओ, यहाँ वो बांधे उस लाइन का ऐसे लाओ, फिर तीन लाइनें बांधी। ये तूफान आएगा तो गिर गया, उसके बाद में हम बंधाई शुरू किए, तो तीन लाइनें बांधे तो ऊपर से ने फंसा के और नीचे जो से बांधे, फिर हवा में हिले तो वो जो खप्पों में अंदर पेश हो जाए। तुमने कहा तो गलत है, नहीं बांध के, जैसे अब बंधी है, जैसे ये उधर को कमल है, इसका उधर को, ये गहर है तो इसकी बंधाई होगी, इसकी बंधाई इसमें किया, हाँ उधर से उधर की इसमें किया, जिसकी होगी जिधर को झुकाव है उसके अपोजिट ही होगा, जैसे इसका नहीं नहीं अंदर से नहीं, मतलब इधर को झुकाव, इसका झुकाव इधर है तो इसकी बनाई उधर होगी, अब इसका झुकाव इधर है तो इसकी बनाई उधर होगी, ऐसे बांधे ना उधर बंधा, फिर गिर गया वो सलाह, इसके अंदर ये बद्धी पेश होने लगी, कप्पे में जब हिला तो कप्पे में अंदर जा लेगी बद्धी, हमने कहा ये तो ढीला हो रहा, फिर उसको खोल के दोबारा बांधा तब ये रुक मिला। चलो हम आएंगे किसी दिन बनाई का एक सिस्टम और हम किया है, देखो उधर देख ले, चले उधर वाला है वो बनाए है, पहले बांध चुके तब का बनाया वो जुगाड़ से बांधे, फिर भी फर्क है नहीं, वो बंधाई गिरती नहीं है, वो हम जो करवाए हैं बहुत प्लाटम कराए हैं। अच्छा इमा अब क्या किया जाए, कौन दवाई दी जाए अब इसमें, अब देखो फास्फोरस का तो ये लोगे, बेबी लोगे, पेड़ी लोगे, पेड़ी तो लेने लोगे, तो एक बेबी रखना है, इसकी कटाई जाएगी, एक बेबी जाएगा, लेकिन एक चीज और है, पूरे खेत में एक ही साइज का छोड़ना है, समझ रहे हैं, अनुमानित छोड़, हाँ अनुमानित एक ही साइज दे नहीं, इसमें ये छोड़ दिया, इसका नहीं, नहीं, दूसरे का वो है, हाँ इनको हटाना है तो हटाना ही है, पूरे खेत में बराबर एक ही साइज का चुनिएगा, जैसे आपका ये है इस साइज का, तो एक ही साइज का दो, बाकी हटाओ, इससे जब कटिंग होगी तो पूरी एक साथ कटेगी, वरना ये और ये गैप कर देगा दो महीने का, इसमें दिक्कत आ जाएगी, ये कटिंग आपकी जो है, और हाँ साइज एक ही होना चाहिए, जैसे इधर पड़ा मैंने देखा, ये आपको काटना नहीं है, जब इसका एक कमल काट लोगे पूरा, इसको खड़ा रहने दो, काटोगे नहीं आप, इसको मत काटिए, ये खाना जो है इससे वापसी ये वाला लेगा, इसका बच्चा जो है खाने की वापसी लेगा, ये पूरा पूरा जो है गल गल के रिवर्स एनर्जी इसको देगा, इसको काटने से आपको कोई नुकसान नहीं है, जब इसको खड़ा रहने दोगे तो ये खाना वापस करेगा जितना खाया है, इसका भोजन ये उठाएगा तो ये और जल्दी आएगा, और एक सिस्टम होता है, हाँ गैर काट ले छोड़ दो, हाँ गैर काट के छोड़ दो, वो तो सूख जाएगा, जो करता नहीं वही तो करा, ऐसा है देखो इधर, जो कोई लोग आधा कटा देखा आपने, आधा पौधा कटा देखा कहीं, आधा मतलब आधा कट जाता, इसको आप अपना काम कर, पत्ते पत्ते गिरा देते हैं बस, ठीक तना खड़ा रहता है, मतलब हाफ देखो इधर अपना काम छोड़ लो, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से जैसे बहुत जगह देखा होगा, हो सकता है यहाँ से कटता है, काट दो ज्यादा है, ठीक है ये वाला जो है काटा दे तो बस यहाँ से, हाँ यही बता रहे हैं, हाँ उधर एक आदमी घर रोक लिए, जैसे सबसे पहले जैसे मतलब घर टूटे ना नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या केले के सिस्टम होता है, जैसे ये पत्ते आप लोगों ने काटे हैं, ये भी काटवाते नहीं है ज्यादा, जो सूख जाता है पत्ता वो कटता है, नहीं तो हरा पत्ता काटना ही नहीं, हरा पत्ता खाना बना रहा है, जब खाना बनाने काम रोक लिया, मजबूरियां हमारे सामने, मजबूरियां हैं, ग्राफ गलत है, पहली बात तो आपका जो ये ग्राफ है ये गलत है, ये कितना होना चाहिए, ये 5x7 दिख जाएगी, चलाओ सबसे सॉलिड है, गिरेगा नहीं केला, इसमें हवा की गैपिंग भी जो है, जैसे आपका यहाँ तो ये ठीक लिया, चलो 5 फीट है ना, हाँ ये 5 लिया, 5 4 फिर उधर गैप ले लिया, अब देखो इन दो लाइनों को देख लो, उसका देख लो, आंखों देख लो, उधर देखो कितना झुकाव है, ये ग्राफ से होता है सब, सिस्टम जो है ग्राफ से होता है, निकला ऐसा हम फिर लगा रखे हैं, चाचा लगायो ठीक, आज हम आए हैं ना, आज हम आए हैं ना, उधर दिखाओ पूरा झुकाव देखो, दिक्कत क्या है, आज आए हैं ना, अब ये देखो ये झुकाव इधर है पूरा, अगर ये वहाँ पे पौधा होता तो इतना नहीं झुकता, हर एक पौधा में यहाँ पता नहीं क्या समस्याएं क्या आती हैं, यहाँ समस्या क्या है, हमारे यहाँ लोग पौध ले लिए, उसके बाद उन्हें आवश्यकता ही नहीं किसी चीज की, अरे
फसना अलग चीज है, किसान खुद खुद फसता है, कोई दूसरा फसाने नहीं आता। अब देखो इधर देखिए, अब इसकी सफाई जरूरी है। ये साला इसी में जुड़ा है तो खाना तो लेगा ही, ये इससे खाना ले रहा है कैसे भी हो। अब हमें जैसे इनकी आवश्यकता नहीं है, व्यापारी काट के यहाँ फेंक देता है, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप रखे हैं ठीक है, अभी कहेंगे तो कहोगे केले तोड़ दिए मेरे, तो वो नहीं है। लेकिन हमें ये तोड़ने हैं, ये जा इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनमें आप छोड़ो, एक छोड़ो संतु भैया, इधर दिखाओ एक मिनट, एक उसमें छोड़ो, बाकी एक इसमें छोड़ दो, छोड़ दो खाली एक उसमें छोड़ दो, एक इसमें छोड़ दो, बाकी सबको क्लीन कर दो, और बाकी 9 से 10 इंच पे इसको तोड़ दो। ठीक, अब ये सड़के भी जाएगा, यहाँ तक आएगा, बाकी खाना जो आएगा वो पूरा आएगा। इनको हटा दो, पतली वाले की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, करके देखो खुद। अब ये जो ऐसे करके तो अगर रिस्पांस अच्छा आएगा इसे, ये करना नहीं, ऐसे नहीं है। एक स्टील का चाकू लीजिए, लोहे का नहीं, स्टील का चाकू लीजिए, प्लेन एकदम काटना, इसका रस नहीं बहना चाहिए। ये इंजरी हो रही है, मान लो हमारा आपका खून निकलता है वैसे इसका निकलना है, तो ये ऐसे भी नहीं करना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एक स्टील का चाकू लेना, सब हाथ से काट देना एकदम प्लेन। इसमें दिक्कत ये आती है महेश भैया, देखो ये दिक्कत आती है जो जब हमारा व्यापारी आता है, राइट इसकी लगा देता है, ठीक है, और राइट माल हमारा वो रेडी, माल वो रेडी है, ठीक है, ज्यादा माल वो जाता है, मगर राइट इसकी जोड़ लेता है वो, यही समस्या सबसे ज्यादा आती है। तो इनमें कटवा दो थोड़ा थोड़ा, नहीं कटवाना है, ये तो हो गया, माल निकलता है उसके एक महीने के अंदर, तो आपका जो है उसका जो है सब बजट खींच लिया जो है हो चुका काम, ये तो कटने पे है ना, अब तो 2 महीने का हो गया होगा, कितने पड़ा रहने दो, अब 2-2.5 महीने हो गए होंगे ना, ये बता दो सिस्टम खराब, 90 से 110 दिन में कट जाता है आपका ये जो बंच है, ये 90 से 110 दिन लगता है पकने में फूल आने के बाद, तो वही दिक्कत ये है। बाकी चर्चा केले और पपीते में जब तक टेक्निकल चीज़ें सही नहीं होंगी हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये यहाँ पर निगाह डालो, आप लोग तो एक काम करते हो का, ये घर से और इससे या उससे, ये गा 2-3-4 में है, ये मैं 4 में आपको वैरायटी चेंज है, ये वैरायटी डिफरेंट लग रही है, इसमें अंतर है। और दूसरी बात, ऐसे नहीं वैरायटी देखना, देखो दिक्कत ये आ रही है कि साला अब केले को बढ़ने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो, ये जो होता है जब हमारा इसमें बंच ही नहीं रह गए, हाथ डालते हैं तो हाथ नहीं जाता है, हाथ जाता है, गैप इतनी होगी कि हमारा केला मोटाई लेगा। अब आप देखो इसको निकाल नहीं सकते, ये रगड़ खाएगा, इस पे दाग आएगा, निकालिए मत, वो रगड़ खाएगा, ठीक है। मतलब कोशिश करना अलग चीज है, लेकिन नेचुरल जो सिस्टम है, ये देखिए डॉक्टर साहब इसमें ये वाला सिस्टम देखिए भैया, वो कोई मतलब नहीं है, कटाई पर है क्या उसका कोई, हमें लोगों को नहीं मतलब। ये जो है केले के जो है ये हटा देनी चाहिए बंच, ये वाली, ये हम वही करें कि आप उसके हिसाब से चलाओ ना, हमारे घर में 2 आदमी खाना है, 2 आदमी खिलाओ ना, अच्छे लड़के जो हमारे तंदुरुस्त होंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएंगे तब वो नौकरी पाएंगे। पूरा महेश भैया ऐसा केला होता पूरा, अगर ये बंच हटा देते केवल पूरा ऐसा, ये इस हिसाब से जब बंच मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो हमारा पूरा बराबर बैठता है। मतलब यहाँ क्या है कि ये कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, इसने खाना खाया 10 किलो, इसने उठा के यहाँ दिया 10 किलो, यहाँ जरूरत थी 15 किलो की, पौधे ने 10 किलो ही खाया, 15 किलो कहाँ खिलाएगा, तो इसको 10 किलो की कैपेसिटी वाला बनाओ और ये रेट गिराएगा। मतलब इस पे काम करो एक साल, फल का बोझा ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है, बोझा इससे राइट बढ़ेगा आपका, क्षमता दे इससे राइट बढ़ेगा। चाचा डॉक्टर साहब कहा कि ये जो छोटे फल है, हम समझ रहे हैं ना, ये तोड़ दो, इनको चारा पूरा नहीं मिलता है, लेकिन अब नहीं करना है, अब मत करना, जो है अब नहीं करना है। ये तो जब कमल आता तब शुरू का काम है, नहीं चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुम्हारा है, इसलिए दादा को बुलाया, आपने बहुत अच्छा किया। दिक्कत क्या है, देखो आपका केला कोई खराब नहीं है, मैं बता रहा हूँ दक्षिण भारत में इतना अच्छा प्लॉट नहीं रेडी हो पा रहा है, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जहाँ पे केला होता था 40 किलो का बंच आ रहा है, अब ये बंच कितने का होगा, अब ये अनुमान हम तो बता रहा हूँ, ये 35-40 किलो का जाएगा कम से कम, दक्षिण भारत वाले 25-30 किलो में गिर रहे हैं कुछ जगहों पे, जहाँ पे केला बहुत पुराना हो रहा है, जहाँ पे पुराना केला हो रहा है वहाँ पे, हम लोग तो नए हैं यहाँ पे, नई तो बात ही छोड़ो, हम लोग पैदा कर रहे हैं, तो हमारा किसान क्या कर रहा है, सिर्फ पैदा कर रहा है, फायदा करना कैसे पैदा करना, सबसे बड़ी बात है तो मार्केट तो नहीं कि अगर हमें मार्केट में रेट ना मिली तो हम फेल हैं, फायदा तो हम कर लेंगे, मार्केट में रेट ना मिली तब फेल हैं, बस इतनी दिक्कत। और ये टखने का साइज देख लो आप,
चार पेड़ में नापोगे आपको पता है 36 आ जाएगा 32 आ जाएगा, चेक नहीं करना है। दो चार छह से जब आपको अवसर लग जाएगा पूरे खेत में, दो चार जगह नाप लो, दो दो चार चार पेड़, नहीं नहीं पूरे खेत में 4 इंच या 2-4 इंच का फर्क आएगा पूरे खेत में। जो होगा वो भाई खाना बराबर खिलाया, मिट्टी एक है, मौसम एक है, तो 2-4 इंच का फर्क आता है, उसी हिसाब से पंजे हमें सेट करने होते हैं। उतने पंजे आपके बराबर बैठेंगे एकदम। और दूसरी बात, स्प्रे शेड्यूल जरूर लेना है। जो ये दाग धब्बे आ रहे हैं, बीटल आ रहा है, इसको रोकना है। ये जब यहाँ डैमेज कर ये रेट गिराता है, ये रेट गिरा रहा है, मार्केट में हमारा साल माल जो है वो डाउन जाएगा। इस पर हमें काम करना है। सिर्फ आप कुछ भी ना करो, सिर्फ इसको बचा ले जाओ एकदम फ्रेश, कमाई हो जाएगी अच्छी खासी। हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना, कैसे कमाना ये हमारा काम है, बाकी कोई बात नहीं। अगली हमारा जो नुकसान हुआ है, हाँ, इसमें हमको कोई सहूलियत नहीं आपकी तरफ से। ज्यादा सहूलियत तो नहीं मिल सकती, बस हम इतना कर सकते हैं कि वो आगे जो है नुकसान ना हो। लेकिन देखो ये नुकसान भी होता है जब तुम्हारे बीमा जो है, बीमा होता था उसका सिस्टम नहीं तुमने देखा था, उसका हुआ था सिस्टम नहीं, कुछ हमने देखा था। हम लोग जब लगवाते वो सिस्टम ऐसा होता था, जो लोग जो है, जो लोग सोसाइटी वगैरह कर्जा लेते हैं उनका बीमा होता है। आप तो कर्जा लेते नहीं होंगे ना, कर्जा लेते हैं निकल उनको वो हम मालूम करें बैंक में, तो बैंक वाले ही बता रहे हैं। कुछ मिक्स हो गए, कुछ मिक्स नहीं, वैरायटी कभी कभी ऐसा पोषक तत्वों की कमी से हो जाता है। ऐसा हुआ कि हमारे 32 पेड़ पोतिया लगाया है, में पोतिया लगाया है, पोतिया नहीं लगाया। अच्छा, तो ये सब गलत किया छोड़ रहे हैं चाचा, ये तो लॉस कर रहे हैं, ये लॉस कर रहे हैं भैया। देखो एक चीज, ये जो केला कटेगा, ये जो आपका लालच आपका नुकसान है। राज दरबार में राजा एक ही होता था, बारिश चाहे दस हो, ये ध्यान रखो। ये राजाओं का दरबार है, यहाँ राजा एक ही होगा बारिश कितने भी हो। महेश भैया आपका लालच, ये जब केला कटेगा तो रेट तो कम से 25-30 की होगी, क्योंकि बहुत पहले निकलेगा ये। ये जाएगा अभी, कौन महीना चल रहा है, सितंबर, 8 महीने जोड़ लो। हाँ बहुत, क्यों 8-9 महीने में कटेगा ये केला, बहुत जल्दी निकलेगा ऐसे मान के चलो। नहीं ये काट देना है, वो बाद काट लेंगे भाई। लालच इसमें बहुत जल्दी सिंगल करना, बहुत जल्दी नहीं करना है, पैसा कमाना लालच। अगली बार हम लगवा देंगे, ग्राफ बताएंगे कैसे लगाना, ये गिरने की समस्या और ये नुकसान। यहाँ पे पूरा जो है सिस्टम देखना हम लोगों को है, पूरा यहाँ से पलिया निगासन तक। अगर जो यहाँ पर यहाँ ब्रांच लगाओ की, नहीं ब्रांच लगवाएंगे, हम आए हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया, डॉक्टर साहब को लेके आए हैं हम। करीब करीब 4,000 पौधे हमने बुक करवाए, 4,000 पौधे। एक हमारे मित्र थे प्रधान, वो लगाने जा रहे थे 2-3 एकड़, तो कहला तुम लगाया और ये सही हमें लग रहा है, हम लगे हैं तुम ठीक लगा लो। तो उनसे पौधा जब बुक करा तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम जो बढ़िया ना है,